स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द लास्ट एग्जाम में। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो में हम टॉप 20 करंट अफेयर करते हैं। तो जुलाई और अगस्त के करंट अफेयर हमने पूरे कर लिए हैं, तो सितंबर के करंट अफेयर के लिए इस वीडियो को लेके आया हूँ। जो फर्स्ट पार्ट होगा सितंबर का, 1 से 5 तारीख तक के टॉप 20 करंट अफेयर रहेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में चलने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके पास में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाएंगी वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएंगी। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अपने पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सब जगह अपने भाई की वीडियो को फैला दीजिएगा, और इसी प्रकार मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। चलते हैं आज के मोटिवेशनल क्वाइट की ओर। आज का मोटिवेशनल क्वाइट है, पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उनके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। तो दोस्तों, मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उनके रास्ते कहाँ से जाते हैं? अपने पैरों के नीचे से जाते हैं। तो NTPC हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर इंसान ठान ले कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है तो करना ही होगा, तो उसने अगर अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया है तो वो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना एग्जाम हो उसको क्रैक कर सकता है। तो इस प्रकार इस मोटिवेशनल क्वाइट के साथ चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर। तो चलें, पहला क्वेश्चन है, डीडी गुलताले को भौगोलिक संकेत GI टैग निम्नलिखित भारतीय राज्य में किसने मिला है? तो किसका है, किस राज्य का है डीडी गुलताला, ये आपको बताना है। तो डीडी गुलताले की बात करें तो ये देख सकते हैं आप नीचे, डीडी गुलताला है, और एक साड़ी है, कडांगी साड़ी, ये मिला है तमिलनाडु को। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तमिलनाडु को डीडी गुलताले का GI टैग मिला है, और कडांगी साड़ी है, आप देख सकते हैं नीचे फोटो में। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के CM हैं के पलानी स्वामी, और यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, इनको BAL पुरोहित भी बोलते हैं, आप फोटो में देख सकते हैं बनवारी लाल पुरोहित को। और अगर तमिलनाडु की बात करना चाहें हम, तो इसकी राजधानी की बात करें तो चेन्नई है, जिसका पहले नाम हुआ करता था मद्रास, चेन्नई राजधानी है। और विधानसभा की सीटों की बात करें तो विधानसभा की सीटें हैं 235, लोकसभा की सीटें हैं 39, और राज्यसभा की सीटें हैं 18। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ और राज्य की भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना BSBY को मिला दिया गया है? तो मतलब कहना चाहता है क्वेश्चन कि आयुष्मान भारत योजना जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई थी, और भामाशाह योजना जो राज्य सरकार द्वारा चलाई गई थी, उन दोनों को राज्य सरकार ने, CM अशोक गहलोत ने इनको मिक्स कर दिया है। तो डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आप देख सकते हैं नीचे। राजस्थान सरकार ने एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत और महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना मतलब ABMJ RS BY शुरू की है। तो इसका नाम बदल दिया है, नाम देख पढ़ सकते हो आप, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना कर दिया है। केंद्र की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राज्य की भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को मर्ज करने के बाद इस योजना को लागू किया गया है। तो राजस्थान की बात करें तो यहाँ के CM हैं अशोक गहलोत, और राज्यपाल गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हैं कलराज मिश्र। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 200 विधानसभा की सीटें हैं, 25 लोकसभा की सीटें हैं, और राज्यसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 10 राज्यसभा की सीटें हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरकार ने PC मोदी का कार्यकाल बढ़ाया है, वह निम्नलिखित में से किस संगठन के अध्यक्ष हैं? तो पूछा गया है कि PC मोदी किस संगठन के अध्यक्ष हैं, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन CBDT के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? PC मोदी को बनाया गया है, ध्यान रखना है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। CBDT के डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं?
तो सीबीडीटी के डायरेक्टर बनाए हैं पीसी मोदी को। आप देख सकते हैं नीचे पीसी मोदी को फोटो में, 1982 बैच के भारतीय राजस्व सेवा आयकर कैडर के अधिकारी हैं पीसी मोदी। सीबीडीटी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रियो डी जेनेरियो में विश्व कप के पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये रियो डी जेनेरो ब्राजील में है, तो ब्राजील में ये विश्व कप हुआ था रियो डी जेनेरो, जो 10 मीटर एयर पिस्टल में अभिषेक वर्मा जी ने, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी अभिषेक वर्मा जी ने स्वर्ण पदक जीता है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन अपने लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस प्रतियोगिता में भारत को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 2 स्वर्ण जीते हैं भारत ने, एक रजत और एक कांस्य जीता है। कांस्य जीता है सौरभ चौधरी जी, जो निशानेबाजी से संबंधित हैं। और आप देख सकते हैं अभिषेक वर्मा, क्वेश्चन आ सकता है अभिषेक वर्मा किस खेल से संबंधित है, तो ये निशानेबाजी से संबंधित हैं। सौरभ चौधरी तो बहुत जाने माने खिलाड़ी हैं, सही, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है जेनेरो विश्व कप में। तो ध्यान रखना है ब्राजील, ब्राजील में हुआ है, तो ब्राजील की बात कर लेते हैं। ब्राजील की बात करें तो राजधानी है ब्राजीलिया और राष्ट्रपति है यहाँ के जेयर बोल्सोनारो। अभी हाल ही में अभी नवंबर की बात करें तो 2019 नवंबर में ब्रिक्स समिट हुआ है, ब्राजील में ही हुआ है अपना ब्रिक्स समिट, जिसमें 5 देशों का समूह है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर सभी राष्ट्रपति आए थे, यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे, जो रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत हुई उनकी, और चाइना के शी जिनपिंग से भी उनकी बातचीत हुई, ब्राजील के बोल्सोनारो से भी उनकी बातचीत हुई थी। तो बहुत आतंकवाद के ऊपर और बहुत सारी बातें हुई वहाँ पर, तो ब्राजील से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने लेह में लद्दाखी किसान जवान विज्ञान मेले के 26वें मेले का उद्घाटन किया है? तो देखिए दोस्तों, ये लेह में लद्दाख में हुआ है, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन हो, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अभी अयोध्या का फैसला सुना है, तो अयोध्या से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, लद्दाख से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो 31 अक्टूबर को 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख को अलग। तो लद्दाख में हुआ है ये किसान जवान विज्ञान मेला, जो 26 मार्च किसान जवान विज्ञान मेला है, 26 नंबर का, इसका उद्घाटन किया है अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजनाथ सिंह। देख सकते हैं आप राजनाथ सिंह जी को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में लद्दाख के किसान जवान विज्ञान मेले के 26वें मेले का उद्घाटन किया है। मेले का आयोजन DRDO के लेह स्थित रक्षा उच्च अनुसंधान संस्थान दिहार द्वारा किया गया था, जिसे 1960 में लद्दाख के कठोर इलाके में तैनात सैनिकों को ताज़ा भोजन आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया था। तो लद्दाख की बात करें तो यहाँ के उपराज्यपाल भी आपको याद रखने हैं, इनको भूलना नहीं है किसी भी कंडीशन में, राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के उपराज्यपाल बनाए गए हैं, याद रखना है, माइंड में अच्छे से सेटल कर लेना है इनकी फोटो को। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गगनयान का सफल परीक्षण किया है? तो गजनबी किसकी, कौन से देश ने मिसाइल का परीक्षण किया है गजनबी जिसका नाम है? तो ये है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने ये गजनबी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो पाकिस्तान से जो भी वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो अपनी एग्जाम के लिए लगभग इंपॉर्टेंट ही होता है, जब बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है इन्होंने, तो ये इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। पूछ सकता है एग्जाम में कि गजनबी किस देश की मिसाइल है, तो पाकिस्तान की मिसाइल है। ये देख सकते हैं आप, पाकिस्तान के सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का सफल परीक्षण किया है। तो पाकिस्तान की बात करें तो राजधानी यहाँ की इस्लामाबाद है, राष्ट्रपति है आरिफ अलवी, और पीएम की बात करें तो आपको पता ही होगा इमरान खान यहाँ के पीएम है। मुद्रा की बात करें तो रुपी यहाँ मुद्रा चलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय सेना टीम माउंट लियो कारगिल पर पहुंची। माउंट लियो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो माउंट लियो का नाम आज तक आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आज आपको मैं बता देता हूँ, यह है माउंट लियो हिमाचल प्रदेश में है, सी ऑप्शन पहली बार तो अपना राइट हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश की यह तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, आप ऊंचाई देख सकते हैं इसकी, ऊंचाई मीटर में 6773 मीटर ऊंची है, ये हिमाचल प्रदेश की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट लियो। पूछ सकते हैं एग्जाम में कि माउंट लियो कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
आप देख सकते हैं भारतीय सेना ने इस पर चढ़ाई करी है, इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है माउंट लियो। ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए पहले। तो हिमाचल प्रदेश के सीएम की बात करें तो जयराम ठाकुर हैं, और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय हैं। बंडारू दत्तात्रेय आप फोटो देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बनाए गए हैं, अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है इनको, बंडारू दत्तात्रेय को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थान ने भारत में स्वच्छ प्रतिष्ठान स्थानों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो मतलब पूछना चाहता है क्वेश्चन के, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सबसे स्वच्छ स्थान है तो बताना है आपको। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन को सबसे स्वच्छ स्थान बताया गया है अभी, माता वैष्णो देवी श्राइन। आप देख सकते हैं इसमें माता वैष्णो देवी श्राइन का यहाँ पर कितना सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है छोटे से फोटो में, तो वहाँ जाके कितना सुंदर लगेगा। तो ये इसको सबसे स्वच्छ बताया गया है, ये जम्मू कश्मीर में। तो मैं बोला था ऊपर ही आपसे, जम्मू कश्मीर से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बनता है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम के लिए। तो जम्मू और कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ को स्वच्छ प्रतिष्ठान स्थानों के देश में सबसे स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान के रूप में चुना गया है। इसको इस सूची को किसने जारी किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने जारी किया है। तो जल शक्ति मंत्री की बात करें तो अपने जोधपुर से हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्री। नया बोर्ड बनाया गया है अभी मंत्रालय में इसको। तो जल शक्ति मंत्री की बात करें तो कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जोधपुर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2019 का 15वां संस्करण देश में हो रहा है। तो युद्ध अभ्यास की बात कर रहा है ये, जो सेना सेना परीक्षण है अपना, सैन्य एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास कहाँ की है? तो ये कहाँ की है? यूएसए की, अमेरिका की और भारत के बीच होती है, भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास ये इस बार कहाँ कराई गई है, ऐसे पूछा है आपसे क्वेश्चन। तो इस बार ये वाशिंगटन डीसी में कराई गई है, जो यूएसए में, वाशिंगटन डीसी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारत अमेरिका के बीच है। आपको बताया था मैंने पहले 2019 का कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो वाशिंगटन में आयोजित हुआ है। ये कौन सा संस्करण है ये भी पूछ सकते हैं, तो 15वां संस्करण है युद्ध अभ्यास का, 15वां संस्करण है, ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खादी और ग्राम उद्योग आयोग KBIC ने देश में पहला टेराकोटा ग्राइंडर लॉन्च किया है। तो पहला टेराकोटा ग्राइंडर लॉन्च किया है तो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने, KBIC ने। तो कहाँ पर लॉन्च किया है? तो वाराणसी में लॉन्च किया है। तो वाराणसी कहाँ पर पड़ता है आपको पता होना चाहिए, यूपी में पड़ता है, यूपी में पड़ता है वाराणसी में। ये देख सकते हैं आप, पहला टेराकोटा ग्राइंडर लॉन्च किया है, जो मिट्टी के बर्तन मतलब टूटे वूटे होते हैं उनको दोबारा ग्राइंड करेगा ये, और उपयोग के बर्तन में चेंज करेगा, तो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। वाराणसी यूपी में पड़ता है। तो यूपी के सीएम की बात कर लेते हैं, सीएम है योगी आदित्यनाथ, बहुत फेमस हैं तो आपको पता ही होगा इनका नाम। और गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल हैं, इनका नाम आपको याद नहीं होगा तो नाम याद कर लेना, आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं यूपी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, AUMX संयुक्त राज्य अमेरिका और डैश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो पूछा है AUMX अमेरिका और किस देश के बीच, किसके बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा है। आसियान समूह, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आसियान समूह। आसियान की बात करें तो ये AUMX संयुक्त सैन्य अभ्यास आसियान और अमेरिका के मध्य है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आसियान देशों में 10 कंट्री आते हैं, आपको पता होना चाहिए कितने कंट्री आते हैं आसियान में, 10 कंट्री आते हैं। और ये अभी कहाँ हुआ है? सिंगापुर में समाप्त हुआ है ये, सिंगापुर में। और उसके अलावा आसियान की बात करें तो देख सकते हैं आप, 10 स्टेट मेंबरशिप होते हैं। 10 स्टेट का नाम बता देता हूँ मैं पढ़ के आपको। एक तो ब्रुनोई है, कम्बोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, उसके अलावा थाईलैंड है, वियतनाम है। उसके बाद दो ऑब्जर्वर कंट्री भी हैं इसके, दो ऑब्जर्वर कंट्री कौन सी है? पापुआ न्यूगिनी और टिमोर लेस्ते। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एशियन की, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ऐसे करके मतलब जो दक्षिणी पूर्वी कंट्री है ना उनका ग्रुप है ये, एशियन ग्रुप। उसके सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो लिम जोक हुई है, लिम जोक हुई। और ये कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका, स्थापना कब हुई इसकी? तो बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद हुई थी, बैंकॉक डिक्लेरेशन के टाइम
8 अगस्त 1967 को इसका फॉर्मेशन हुआ है। 8 अगस्त 1967 याद रखना है, आसियान की स्थापना हुई है 8 अगस्त 1967। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन क्लियर होते हैं, होने में तो ये एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से। एक तो सेक्रेटरी जनरल का बैंकों का डिक्लेरेशन 8 अगस्त 1967 वगैरह वगैरह वगैरह, ये 10 स्टेट हैं इनके बारे में, ऑब्जर्वर कंट्री हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पार्टियों का 14वां सम्मेलन COP14 संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन किस शहर में शुरू हुआ। तो ये क्वेश्चन अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन वैसे तो इंपॉर्टेंट है। मैं टॉप 20 करंट अफेयर लाता हूँ आपके लिए, कम से कम 100 क्वेश्चन में से चार्ट कर मैं 20 क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ, और वो भी आपको विश्वास होना चाहिए, आपको लगना चाहिए क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, और सोच सबकी अलग अलग होती है किसको कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है। लेकिन आप कमेंट में अपना फीडबैक दें कैसे लग रहे हैं आपको क्वेश्चन, ताकि मैं और चेंजेस कर सकूँ और इसके बारे में और ज़्यादा आपको बता सकूँ। तो इस क्वेश्चन में पूछा है COP14 का सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो COP14 का सम्मेलन अपने ग्रेटर नोएडा में हुआ है, ए ऑप्शन राइट हो गया, ग्रेटर नोएडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन हो जाता है COP14, जो ऐसे भी पूछ सकता है COP14 किसके लिए हुआ है, तो डेजर्टिफिकेशन के लिए, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, ये जागृति फैलाने के लिए इसको कराया जाता है। तो ग्रेटर नोएडा में इसका सम्मेलन हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप COP14 UNCCD, ये मरुस्थलीकरण को रोकना और ये धूल के तूफानों की पहचान करना इसका प्रमुख कार्य है। COP14 का सम्मेलन कहाँ हुआ है दोस्तों, ये हुआ है ग्रेटर नोएडा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय और किस कंपनी के ने हाल ही में इंजीनियरिंग छात्रों के लिए बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है। तो कहना चाहता है बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किसके लिए है, पहली बात तो ये इंजीनियरिंग छात्रों के लिए है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय और किस मंत्रालय के मंत्रालय है, तो ये गूगल गूगल के साथ किया है। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय और गूगल ने ये किया है, तो बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है। तो गूगल देख सकते हैं आप, गूगल के बारे में इधर देख सकते हैं आप, ये एक सार्वजनिक कंपनी है गूगल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसकी स्थापना कब हुई थी आप देख सकते हैं, कैलिफोर्निया में हुई थी 4 सितंबर 1998 को, 4 सितंबर 1998 को। संस्थापक हैं इसके सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज, और मुख्यालय है इसका कैलिफोर्निया में, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में हेडक्वार्टर है। और इसका क्षेत्र देखा जाए तो ये वर्ल्ड लेवल पर, विश्व लेवल पर विश्वव्यापी है। और सीईओ की बात करें तो सुंदर पिचाई है, और अध्यक्ष की बात करें तो एरिक स्मिट अध्यक्ष हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको भी बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंध्र प्रदेश के चेरोलपल्ली और रायपुरी के बीच देश की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग की लंबाई कितनी है। तो ये देश की पहली विद्युतीकरण रेल सुरंग की लंबाई पूछी है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना, इसकी लंबाई है 6.6 किलोमीटर। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये देश की सबसे लंबी विद्युतीकरण रेल सुरंग है, जिसकी लंबाई है 6.6 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में चलाई गई है। और स्थान भी दे रखे हैं आपको कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है, तो चेरोलोपल्ली और रेपुरो के मध्य चलाई गई है आंध्र प्रदेश में। ये देख सकते हैं आप, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसका इनोग्रेट किया है और ये राष्ट्र को समर्पित किया है, तो 6.6 किलोमीटर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वित्त मंत्री द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार बैंक विलय की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। तो कौन सी जोड़ी सही है दोस्तों बैंक विलय की, तो ए ऑप्शन है अपना यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पंजाब नेशनल बैंक, और बी ऑप्शन है सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, और सी ऑप्शन है इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, तो और डी ऑप्शन है सब सही है। तो दोस्तों डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सब सही है, इनको सबको मिला दिया गया है, सबको मर्ज कर दिया गया है। अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आप देख सकते हैं नीचे, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पंजाब नेशनल बैंक के विलय कर दिया गया है। इसके विलय के बाद मतलब ये सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। तो पहला आपको पता ही है SBI है, दूसरा बन जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, ये तीनों मिलके बैंक बनाएंगे। तो और इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है, आप पढ़ सकते हैं नीचे, और भी बैंकों का विलय हुआ है। तो हाल ही में बैंकों के विलय की घोषणा के बाद देश में 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं पब्लिक सेक्टर के बैंक कितने हो जाएंगे, पहले 27 थे,
अब इनके विलय होने के बाद ये मात्र 12 रह जाएंगे, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 12। आप देख सकते हैं नीचे पब्लिक सेक्टर के बैंक 10 बैंकों को 4 बैंकों में विलय करने की घोषणा की गई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, तो 27 की बजाय 12 सार्वजनिक बैंक हो जाएंगे। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस देश ने सैप अंडर 15 का खिताब जीता है, तो सैप अंडर 15 का खिताब जीता किसने है ये बताना है आपको। वैसे तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए क्योंकि ये इंडिया में कराया गया है और इंडिया ने जीता है इसको। तो आप देख सकते हैं बी ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना। ये देख सकते हो आप जिसको आपने इंडिया ने क्या क्या किया है, नेपाल को 7-0 से हराया है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी जीत है। तो ये भारत में भी हुआ है, तो कहाँ हुआ है, पश्चिम बंगाल में हुआ है। ओके सैप अंडर 15 का किताब है ये, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन बन जाता है, इसको कोई ध्यान से देखता नहीं है तो ये याद भी कोई नहीं करता है। तो आपको याद रखना है ये अंडर 15, सैप अंडर 15 का किताब आप देख सकते हैं भारत ने जीता है और भारत ही सबसे सफल टीम रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोरवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर को देश में स्थापित किया है, तो गोरवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर है ये, तो भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया है इसको, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नागपुर में इसको स्थापित किया गया है। नागपुर, आप दोस्तों नागपुर कहाँ पर है, तो नागपुर है महाराष्ट्र में, और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसको इनोग्रेट किया है, मंजूरी दी है। तो गोरवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर आपको ध्यान रखना है इसका नाम, जो महाराष्ट्र के नागपुर में मंजूरी मिली है इसको, इसका उद्घाटन किया गया है प्रकाश मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा, केंद्रीय मंत्री हैं। तो प्रकाश जावड़ेकर की बात करें तो इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनके पास 3-4 मंत्रालय हैं, तो आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह। इनके पास है पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु मंत्रालय भी इनके पास है, और सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी इनके पास है। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से हैं, पर्यावरण, वन, जलवायु और सूचना और प्रसारण मंत्रालय इनके पास है। तो इसकी बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी, और सीएम की बात करें तो अभी बने नहीं है, बन जाएंगे जब याद करेंगे, तो महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी। अभी फिलहाल की बात करें, करंट की बात करें, भगत सिंह कोश्यारी ने घोषणा करी है किसानों को, किसानों के लिए वहाँ पर, मतलब अभी बारिश के टाइम पर बारिश नहीं, बारिश के टाइम पर बारिश नहीं हुई और बारिश होनी चाहिए, और जिस टाइम पर बारिश नहीं हुई, तो इस चक्कर में वहाँ के किसानों को 2 हेक्टेयर के लिए 8,000 रुपये और बागवानी के 2 हेक्टेयर के लिए 18,000 रुपये देने की घोषणा करी है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत को 11वीं C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्टर विमान की डिलीवरी मिलती है, इसका निर्माण देश द्वारा किया गया है, तो मतलब ये कहना चाहता है क्वेश्चन कि भारत को अभी C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्टर विमान की डिलीवरी हुई है, वो किस कंपनी द्वारा बनाए गए हैं, तो किस कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बोइंग कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। बोइंग कंपनी की बात करें तो ये कहाँ की कंपनी है, तो बोइंग है यूएसए की कंपनी। ये कौन से विमान बना के दिए हैं अभी भारत को, ट्रांसपोर्टिंग विमान है C-17, इससे भारतीय सेना की शक्ति बढ़ेगी ट्रांसपोर्टिंग। और बोइंग की और बात कर लेते हैं, बोइंग कंपनी की, तो बोइंग कंपनी की स्थापना हुई थी 1916-17 में, आपको पता ही है वाशिंगटन में हुई थी। और इसके संस्थापक की बात करें तो विलियम ई बोइंग हैं, विलियम ई बोइंग संस्थापक हैं। हेडक्वार्टर की बात करें तो शिकागो, और चेयरमैन की बात करें तो डेव कालहोन चेयरमैन हैं यहाँ के, और एमडी और सीईओ की बात करें तो बोइंग के एमडी और सीईओ हैं डेनिस मुलेनबर्ग। आपको याद रखना है बोइंग कंपनी के एमडी और सीईओ हैं डेनिस मुलेनबर्ग। तो ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी आपको बताना है, और अगर आपको वीडियो मेरी आवाज़ धीरे लग रही है तो आप यूट्यूब पर भी वीडियो की आवाज़ तेज करके इसको देख सकते हो। और आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इसी वीडियो में, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर करना तो भूलना ही नहीं है दोस्तों। आपने भाई की वीडियो है तो भाई की वीडियो को इतना फैला देना है कि सभी को पता चल जाए कि अभी यूट्यूब पे नया चैनल बना है। तो फर्स्ट फर्स्ट में सपोर्ट करने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन जो भाई दोस्त बड़े भाई छोटे भाई होते हैं वो तो अपने भाई को सपोर्ट करते ही हैं। तो कल मिलते हैं इसी वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन के साथ, सितंबर के क्वेश्चन लेके आऊँगा 5 से 10 तारीख तक के। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। ओके।